बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। 2018 में कई वुमन्स ने फिल्म मेकर साजिद खान के खिलाफ मी टू के एलिगेशंस लगाए थे। इन एलिगेशंस के बाद साजिद खान से हाउसफुल 4 डायरेक्ट नहीं करवाया गया। अब जिया खान की बहन करिश्मा ने साजिद पर BBC डॉक्यूमेंट्री डेथ इन बॉलीवुड में खुलासा किया है कि कैसे साजिद ने उनकी बहन का सेक्सुअल हरासमेंट किया था। बता दें, जिया मल्टी स्टारर कॉमेडी हाउसफुल का हिस्सा थी, जिसमें अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रितेश देशमुख, अर्जुन रामपाल, लारा दत्ता, बोमन ईरानी, रणधीर कपूर, चंकी पांडे और मलाइका अरोरा जैसे ए लिस्टर्स भी शामिल थे। डेथ इन बॉलीवुड के एक वीडियो में दिखाया गया है कि जिया की बहन कहती हैं, रिहर्सल का समय था, जिया स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, उसी समय साजिद ने जिया से टॉप और ब्रा उतारने को कहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने कहा कि अभी तो फिल्म शुरू भी नहीं हुई है और ये सब हो रहा है। वो घर आ गई और खूब रोई थी। करिश्मा आगे बताती है, जिया ने कहा था, मैं इस फिल्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, अगर मैं फिल्म छोड़ दूंगी तो वो मेरे खिलाफ केस कर देंगे और मुझे बदनाम करेंगे, लेकिन अगर मैं फिल्म करती हूँ तो मेरा सेक्सुअल हरासमेंट होगा। हर हाल में कुछ खोने की स्थिति है, इसलिए उसने वो फिल्म की। इतना ही नहीं, जब साजिद ने करिश्मा पर अपनी नजर डाली तो जिया भी उनके डिफेंस में आ गई। करिश्मा ने इस वाकये के बारे में बताते हुए कहा, मुझे याद है कि मैं बड़ी बहन के साथ साजिद खान के घर गई थी। उस वक्त मैं 16 साल की थी। मैंने स्ट्रैपी टॉप पहना था और किचन टेबल पर बैठी थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, वो सेक्स चाहती है। मेरी बहन जिया तुरंत मेरे बचाव में उतरी और बोला, नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो। इस पर साजिद ने कहा, देखो वो किस तरह से बैठी है। मेरी बहन ने कहा, नहीं, वो मासूम है, अभी छोटी है, वो नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। उसके तुरंत बाद हम वहाँ से चले गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिया ने मजाक में कहा था, क्या मैं आपके बारे में बुरा कह सकती हूँ साजिद, आप सबसे बुरे डायरेक्टर हैं जिसके साथ मैंने कभी काम किया है, आपने मेरी लाइफ को पूरी तरह से नरक बना दिया है। वेल, अब जिया की बहन करिश्मा के खुलासे के बाद शार्लिन चोपड़ा ने भी ये आरोप लगाया है कि जब वो साजिद से काम के सिलसिले में मिलने गई थी, तब साजिद ने उनके सामने अपने प्राइवेट पार्ट को फ्लैश किया और कहा कि वो उसे छुए और फील करे। एक पत्रकार ने साजिद पर उसे जबरन किस करने और अपनी टंग को उसके थ्रोट में डालने का आरोप लगाया था। साजिद खान की इमीडिएट असिस्टेंट डायरेक्टर और एस्पायरिंग एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा ने भी साजिद के बारे में अपना ब्लॉग शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह उन्होंने उन्हें हरास करने की कोशिश की। मॉडल से एक्ट्रेस बनी रेचल वाइट ने भी साजिद खान के साथ अपनी अनकंफर्टेबल मुलाकात के बारे में शेयर किया था। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की एक्ट्रेस आहना कुबरा ने भी साजिद खान पर ये आरोप लगाया था कि भले ही साजिद ने उन्हें छुआ नहीं, लेकिन जब वो उनसे काम के सिलसिले में मिलने गई थी तो इनअप्रोप्रिएट सवाल पूछे थे। एक्ट्रेस मंदना करीमी ने भी इस बात का खुलासा किया कि साजिद ने 2014 की फिल्म हम शक्ल में एक कैरेक्टर पर चर्चा करने के लिए उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और इनअप्रोप्रिएट कमेंट पास किए। 2020 में इंडियन मॉडल पाउला ने दावा किया कि साजिद खान ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की और उससे स्ट्रिप करने को कहा। बता दें, इन आरोपों पर साजिद खान ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।